हेलो दोस्तों। तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं ग्लोबल टाइगर डे जो 29 जुलाई को मनाया गया, इसके बारे में जान लेते हैं। आपको मैं यहाँ बता दें कि बीते 29 जुलाई को दुनिया भर में मनाया गया ग्लोबल टाइगर डे। इसका उद्देश्य था बाघ संरक्षण और इनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा आदि के लिए जागरूकता फैलाना इनका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, आपको यहाँ बता दें 2010 में ये 29 जुलाई को सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में शुरुआत की गई थी इसकी। ठीक, आपको बता दें यहाँ कि इस समिट में लाई गई थी T2 अवधारणा। इसका मतलब है यहाँ कि 2022 तक बाघों की संख्या दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया था इसमें। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। अभी हाल में ही जो किया गया, इसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेशन रिपोर्ट के चौथे चक्र का परिणाम जारी किया है, घोषित। ठीक है, और बता दें आपको हर 4 साल में इसे घोषित किया जाता है, जारी किया जाता है। ठीक, इसका शीर्षक देख लेते हैं इस रिपोर्ट का। इसका शीर्षक था स्टेट ऑफ टाइगर्स को प्रेडेटर्स प्रे इन इंडिया 2018। ठीक, इससे तैयार किया गया है इस रिपोर्ट को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने। अब बाघों की 2018 में संख्या देख लेते हैं कितनी बड़ी कहाँ। भारत में बाघों की संख्या अभी जो 2018 तक हुई है 1967। आपको बता दें यहाँ कि करीब 3,000 बाघों के साथ आज सबसे बड़े और सुरक्षित प्राकृतिक आवासों में से एक है भारत हमारा। ठीक है, और आपको यहाँ बता दें संरक्षित क्षेत्रों की बात करें तो 2014 में जो 692 थे, अभी जो करंट में 2019 में बढ़कर हुए हैं 860 प्लस। ठीक है, अधिक 860 से अधिक। और यहाँ सामुदायिक शरण स्थलों की बात करें तो 100 हो गया। ठीक है, 2014 में थे ओनली केवल 43। बाघों की संख्या की बात करें तो आपको यहाँ बताएं कि 2006 से 2010 तक 21% वृद्धि हुई थी, 2010 से 2014 तक 30%, और 2014 से 18 में जो 33% हुई। ठीक है, अब यहाँ राज्यों की बात कर लें कहाँ कितने बाघ पाए जाते हैं। तो एमपी में 526, कर्नाटक में 524 और उत्तराखंड में 442। ठीक, यहाँ कुछ और तथ्य याद रखिएगा, जो ट्रिप्स है इसके द्वारा एप्लीकेशन है, जो एमट्रिश इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर एकत्रित आंकड़े किए गए हैं इस द्वारा। इसका एम ट्रिप्स का फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन इकोलॉजी स्टेटस। ठीक है, आपको बताएं छत्तीसगढ़ मिजोरम में संख्या कम हुई है बाघों की, और उड़ीसा में अपरिवर्तित रहा है, मतलब यहाँ कोई ना बढ़ोतरी हुई ना कमी हुई। यहाँ और बात करें तो हम तीन टाइगरों रिजर्व में अनुपस्थित रहे बाघ, मतलब यहाँ अनुपस्थित देखी गई, बाघ उपलब्धता नहीं देखी गई। इसमें शामिल है तीन में बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल, डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम और पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड। इन तीनों में अनुपस्थिति देखिए, मतलब इनकी यहाँ उपस्थिति नहीं है। अब भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, आपको बता दें। ठीक है, इसे इसका वैज्ञानिक नाम है जो पैंथरा टाइग्रिस है, और बता लें यहाँ कि फैमिली इसकी फैमिली फिलीडी है, फिलीडी फैमिली का मेंबर है। इसे अम्ब्रेला स्पीसीज भी बोला जाता है क्योंकि
अम्ब्रेला स्पीच इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके संरक्षण से एक ही क्षेत्र में कई और प्रजातियों का भी संरक्षण होता है। IUCN की रेड लिस्ट में शामिल है इंडेजर्ड स्पीसीज में। आपको बता दें सिटी के परिशिष्ट एक में शामिल है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची एक के भाग एक में शामिल है और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। याद रखिए कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, 1973 में किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर शुरू। तो दोस्तों ये था टाइगर डे।